नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आपके घर में नाग देवता बनकर पधारने वाले हैं। दोस्तों, आपको कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। इस वीडियो में हम आपको ऐसी जानकारी देंगे जिससे आपकी किस्मत 100% बदल जाएगी। और आज रात 3:30 बजे के बाद यह देवता आपके घर में घुसने वाले हैं। ये कोई सामान्य नहीं है, बहुत ही देवी शक्ति रहेगी। इन्हें नाराज करने की भूल बिल्कुल भी मत करना। कई बार जाने अनजाने में हम कुछ लोगों को अपमानित करके हमारे घर से भगा देते हैं। हमारे घर में घुसने वाले जीव जंतुओं को भी हम मार देते हैं। आपकी यही एक गलती आपके आने वाले पूरे भविष्य पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि ये देवता आपके घर में किसी भी रूप में प्रवेश कर सकते हैं। डरने वाली कोई बात नहीं है, ये तो आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं। अभी आपके ऊपर है कि आप आशीर्वाद लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। वीडियो बहुत खास है, बिल्कुल भी इसे मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज जो ज्ञान हम आपको देने वाले हैं आपके भी रोंगटे खड़े कर देगा। सबसे पहले जो भी महादेव के सच्चे भक्त हैं इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव शंकर जरूर लिखिएगा और साथ ही साथ श्री साईं नमस्तु में जरूर लिखिएगा। अगले 3 महीने में आपका असंभव से असंभव कार्य भी पूरा हो जाएगा। अब दोस्तों, आपने अतिथि देवो भवा इस कहावत को या फिर इस पंक्ति को, इस स्तुति को तो सुना ही होगा। भारत में अतिथि देवो भवा की परंपरा निभाई जाती है, परंतु फिर भी जब हमारे घर में मेहमान आते हैं तो कुछ लोग उन्हें बोझ समझते हैं। मन ही मन ये सोचते हैं कि ये यहाँ से कब उठेंगे, ये उठें तो हम कुछ खाएं, ये उठें तो हम कुछ कार्य करें। परंतु अगर कोई देवता आपके घर में मेहमान बनकर घुस गए, या वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, और यदि आपने उन्हें भगा दिया, नहीं पहचाना और अपमानित कर दिया, तो दोस्तों फिर सोच लीजिए आपकी ज़िंदगी का क्या हाल होगा। इसीलिए तो कहा गया है अतिथि देवो भवा, यानी कि हमारे दर पर आया हुआ अतिथि हमारे लिए देव के समान होता है, और यही देवता अब आपके घर में घुसने वाले हैं। तो अब आपको उन्हें नाराज़ नहीं करना है, हमें तो हर मेहमान की पूजा करनी है, चाहे वो बहुत बड़े से बड़ा क्यों ना हो और छोटे से छोटा क्यों ना हो। अगर हम उसकी पूजा करेंगे तभी तो ईश्वर हमें आशीर्वाद देंगे। किंतु द्वार पर आए मेहमान पर इतनी मेहमान करें तो मैं इसके दर पर जब जाऊंगा तो कितना कल्याण होगा। अब भगवान भी आपके दर पर किसी भी रूप में आ सकते हैं, इस बात में कोई भी दोहराय नहीं है। इसीलिए दर पर आए मांगने वाले की, दर पर आए याचक की, घर पर आए मेहमान की कभी भी बुराई नहीं करनी है। उनके खिलाफ मन में कभी भी द्वेष या गलत भावना उत्पन्न नहीं होने देनी है, और हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमें आगे बढ़ना है उनकी सहायता करने के लिए, उनका नमन करने के लिए, क्योंकि यही आपका सूत्रधार साबित होगा। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। अब बहुत सारे लोग जीव जंतुओं से बहुत डरते हैं। देखिए, हर प्राणी में परमात्मा का वास है, परमात्मा ने सभी को बनाया है, डरने की कोई बात नहीं है, हमें सभी जीव जंतुओं की रक्षा करनी है। परंतु बहुत सारे लोग कीड़े मकौड़ों को देखते ही उन्हें मार गिराते हैं। ऐसा करके वो बहुत बड़ा पाप अपने हाथों से कर रहे होते हैं। इस बात का आपको अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन बहुत बड़ा अनर्थ आपके द्वारा हो चुका होता है। ये आपको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है, आपके पाप कर्मों को बढ़ाता है और आपके लिए अपने महत्वपूर्ण कार्यों में अटकने पैदा करता है। तो अब अगर आपके घर में कोई देवता आने वाले हैं तो वह जीव जंतुओं का रूप लेकर भी आ सकते हैं। मान लीजिए वो किसी जंतु का या फिर जीव का रूप लेकर आपके घर में आ रहे हैं और आपने उन्हें बहुत मार करके भगा दिया, या थोड़ा छोटा कीड़ा मकौड़ा उसे आपने अपने पैर से कुचल दिया, तो सोचिए आपके द्वारा कितनी बड़ी गलती हो जाएगी। यही तो दोस्तों परीक्षा का समय होता है। मान लीजिए अनजाने में आपसे अगर कोई गलती हो जाती है
तो दोस्तों मौका होता था आपके पास में किस्मत को चमकाने का, उस मौके को आप खो देते हैं। तो हमारा आपसे यही आग्रह है कि मात्र 48 घंटे बाकी रह गए हैं। आज रात 3:30 बजे के बाद कभी भी देवता आपके घर में प्रवेश कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जैसे खुद देवता आते हैं आपके घर परिवार के या कोई भी, जिसके बाद वे हवा में झूमने लगते हैं, अलग अलग तरह की हरकतें करने लगते हैं। तो आप उनके चरण स्पर्श जरूर करें। इस रूप में भी वो आपके घर में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। और दोस्तों हो सके तो उनके मनपसंद चीज़ उन्हें खिलानी है और किसी भी तरह से उनसे आशीर्वाद ले लेना है, क्योंकि उनका ये आशीर्वाद आपके काम आएगा। उन्हीं का आशीर्वाद आपको दुश्मनों की चाल से बचाएगा। उन्हीं का आशीर्वाद आपको हर परिस्थिति का सामना करना सिखाएगा। आने वाले अगले दिनों में एक और चाह तो दूसरी ओर राह, यानी कि जो चाहेंगे उसी का रास्ता बन जाएगा। परंतु कई बार ऐसा भी हो जाता है कि इंसान मन से जो काम करता है उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, और जो लोगों की बातें सुनकर काम करता है उसका परिणाम अच्छा नहीं आता। इसीलिए आप भगवान को पूजिए, लेकिन अपने मन से, ना कि किसी दूसरे कर कहने पर। अगर आपकी कोई मन्नत पूरी नहीं होती है तो उस भगवान को बदल देते हैं, किसी और भगवान की शरण में चले जाते हैं। वहाँ पर भी उसकी मन्नत पूरी नहीं होती तो तीसरी भगवान की शरण में चले जाते हैं। और यहाँ तक तो छोड़िए, जब बहुत समय तक आत्म नहीं होता है तो अपने धर्म को छोड़कर किसी और धर्म के पास पहुँच जाता है। मानव यहाँ तक गिर चुका है कि उसे सिर्फ अपना काम पूरा कराना है, तभी वो उन भगवान को मानेगा। देखिए, एक उदाहरण के तौर पर बहुत गहरी बात समझाएंगे, कान लगा कर सुनिएगा। मान लीजिए आप एक कुआं खोद रहे हैं, आपने उसे थोड़ा सा खोदा और पानी नहीं आया, तो आप दूसरा कुआं खोदने लग गए, उससे भी आपने थोड़ा खोदा और पानी नहीं आया, फिर आप तीसरा कुआं खोदने लग गए। इसी तरह से आप कुएं खोदते गए और किसी में भी पानी नहीं आया। पानी ना आने का कारण क्या था? आपने सब कुओं को थोड़ा थोड़ा खोदा। अगर आप एक ही कुएं को लंबा खोद देते, गहरा खोद देते, तो 100% गारंटी थी कि उसमें से पानी आ जाता। उसी प्रकार से अलग अलग भगवानों को पूजने की गलती मत करिए, चाहे आपका काम बन रहा है या नहीं। किसी एक भगवान की भक्ति में ही संलग्न रहिए। अगर आपके साथ महादेव की बन रही है तो महादेव से बना लीजिए। राम जी के साथ आपका कनेक्शन बैठ रहा है तो आप राम जी को अपना लीजिए। आप कृष्ण जी को मान लीजिए, आप माता रानी को मान लीजिए, लेकिन भक्ति में बदलाव मत करिए। किसी एक की भक्ति को अपनाइए। आप सब एक हैं, कोई अलग नहीं है। आपका काम ज़रूर बनेगा, लेकिन आपको एक ही कुएं को गहरा खोदना होगा, क्योंकि दोस्तों भगवान एक ही है किंतु उसके रूप अनेकों हैं। जैसे कि दोस्तों हमने आपको बताया कि यह देवता किसी भी रूप में आपके घर में दस्तक दे सकते हैं। अगर सामान्य आँखों से उन्हें आप नहीं देख पाए तो ये दूसरी बात है, लेकिन किसी का रूप देख करके अगर आपके द्वार पर आते हैं तो चाहे कोई भी आ जाए, मांगने वाला ही क्यों ना हो, उसे आदर सत्कार से कुछ देना है, उसका सम्मान करना है, उसे प्यार भरे ही बोल बोलने हैं, उससे कड़वी बातें नहीं करनी है। ये बात आप खास तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि अक्सर जब हमारे दर पर कोई मांगने वाला आता है तो हमारा मुंह बन जाता है, हम उसे देना नहीं चाहते, हम उसे किसी भी तरह से भगाना चाहते हैं। तो यही चीज़ें जीवन में दिक्कत देती हैं, तकलीफ देती हैं। अगर भगवान ने आपको किसी को कुछ देने के काबिल बनाया है, देखिए लेने के काबिल तो नहीं बनाया है, देने के काबिल ही बनाया है, तो ये कितनी अच्छी बात है। आपको इसका अभिमान रखना चाहिए कि आपको भगवान ने देने के काबिल बनाया है, और पृथ्वी गोल है, और आपके पिछले जन्म में आपकी यह गलती हो सकती है आपको लेने वाला बना दे। इसीलिए हमें तो आज से ही, अभी से ही हमारे कर्मों को सुधारते रहना है, क्योंकि हमें इस जीवन मरण के चक्र में नहीं फंसना, हमें तो भव सागर पार करना है, और वो भव सागर पार होगा मर्यादा के साथ, आत्मसम्मान के साथ, ईमानदारी के साथ, सत्यता के साथ, और हमेशा सदा सही व्यवहारिकता सत्कर्म के साथ।
तो जिंदगी में ये नियम बना लीजिए कि सभी से प्यार से रहेंगे, सभी से प्यार से बात करेंगे, तो ये दुश्मन ही क्यों ना आपके द्वार पर आ जाए, हमें उसका भी सम्मान ही करना है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ और परिवारजनों के साथ इसे साझा करिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय शिव शंकर ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी मनोकामना भी लिख दीजिएगा, ताकि भगवान आपकी सीधे सुनवाई कर सकें।